नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है सुल्तानपुर के दुबेपुर से, जहां किसानों की मेहनत पर धान क्रय केंद्र के प्रभारी कुंडली मारकर बैठे हैं। दिनांक 4 दिसंबर 2021 को इंडियन प्राइम न्यूज के ब्यूरो चीफ और संवाददाता इंद्रहास पाठक धान खरीद के बारे में जानकारी करने और बाइट लेने नवीन मंडल स्थल अमहट सुल्तानपुर पहुँचे, जहाँ पर सरकारी धान क्रय केंद्र दुबेपुर तथा मधुद्य के प्रभारियों से किसानों की सूची मांगने जाने पर अभद्रता करने लगे और धमकियां देने लगे कि मैं कुछ नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उक्त लोगों के दलाल सरकार के काम में दलाली करके किसानों के धान को वहां के व्यापारियों को औने पौने दाम में बिछवा कर मिलीभगत से सरकार के पैसे हड़प रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इंद्रहास के इस प्रयास से प्रभारियों पर कोई असर होता भी है या नहीं, या फिर किसानों की मेहनत का लोग ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल। अब कार्य के लिए उसके बाद ये लोग अपना नाश्ता पानी कर रहे थे, इसकी वजह नहीं पूछे देरी से ये लोग क्या करते हैं नाश्ता पानी कर रहे हैं, हर कोई एक समय जुड़ा होता है। वो तो ठीक है, चलो बात है, उसको खाना पीने के लिए टाइम देना ही चाहिए। लगभग ये कितना आप लेकर आए हैं, आप खुद की है सारे आपके सर, लगभग कितने होंगे? 70 इस रेट में आप बेचे हैं? पैसे ये फिक्स रेट है, आपको पता है जानकारी है, सरकारी रेट है, सरकारी का रेट है और यही आपको दिया गया है, दिया नहीं गया है अकाउंट में 45 पैसे आपका है। लगभग उत्पादन में जो हुआ है आपका ये कितने बीघे बीघे के काश्तकार है? 25 बीघे काश्तकार हैं, लेकिन पूरे विधान नहीं लगा था, 5 लगाया था, जिसका आपको क्या कहते हैं लगभग 70 कुंटल। सर इतनी देर में क्यों खरीदारी हो रही है? अच्छा डीएम साहब, तो किसान को आने दिक्कत भी हो रही होगी, दिक्कत भी हो रही है किसान को भी? जिलाधिकारी का जो आदेश है जी, अनुपालन है, 6 बजे तक जिलाधिकारी। अच्छा, लगभग कितनी खरीदारी हो गई अब तक आज की डेट में कुल? अच्छा, अभी तक 3,000 है, कितना होना है पहले आपको हमको दिखाएं? एक एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, कोई आप बताएं क्या है लेकर के सुनिए, इसको दिखा दीजिए। एक मिनट,